संयुक्त कलेक्टर परिसर में आगर जिले की नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए हुए मतदान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन आखिर में क्रॉस वोटिंग ने पूरी बाजी पलट दी। बीजेपी ने अजय जैन और कांग्रेस ने नीलेश जैन पटेल को उम्मीदवार बनाया था। जहां कांग्रेस के 11 पार्षद तो बीजेपी के 10 पार्षद थे, साथ ही दो अन्य निर्दलीय पार्षद को भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया था। इस तरह बीजेपी के 12 पार्षद तो कांग्रेस के 11 पार्षद रह गए थे। इसके बावजूद भी कांग्रेस के नीलेश जैन पटेल को बहुमत के साथ 15 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के अजय जैन को 8 वोट मिले। इसी तरह आगर नगर पालिका पर अध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो हमारी सोच है, जो हमारा विजन है, हम नगर में किस तरह से विकास करें, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के कमलनाथ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की जो सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है, उस सोच से प्रभावित होकर जो आज हमें अधिक वोट मिले हैं और हम चुनाव जीते हैं, मैं सभी उन जिन्होंने हमको वोट दिया है आप प्रत्यक्ष रूप से उन सबका धन्यवाद देता हूं दिल से कांग्रेस पार्टी की ओर से। और निश्चित तौर पर हम आगर नगर में सभी मतभेद को बुलाकर विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे और 23 वार्डों में पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। वहीं नगर पालिका के उपाध्यक्ष के लिए दोनों पार्टी के लिए कांग्रेस से शबनम बी रऊफ मुल्तानी और बीजेपी से विक्रम बोड़ाना को 11-11 वोट मिले। इसलिए उपाध्यक्ष का फैसला टॉस किया गया, जिसमें कांग्रेस की शबनम बी रऊफ मुल्तानी विजय हुई। आगर मालवा से मृदुभाषी प्रदेश के लिए जहीर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।